हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। टिल डेट वी हैव लर्न अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दी थॉमसन एंड दी रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ दी एटम, एज वेल एज वी हैव लर्न अबाउट आइसोटोप्स, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एक्सेट्रा। बट दोस्तों, अगर बात करें एटॉमिक मॉडल्स की, तो वहाँ पर हमको कुछ लिमिटेशन मिली थी। टू क्लियर दैट लिमिटेशन, अगर वो लिमिटेशंस को हम क्लियर करना चाहते हैं, देन वी शुड हैव टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी बोहर्स एटॉमिक मॉडल। पढ़ने के लिए हमको पहले कुछ टर्म्स है दैट वी हैव टू लर्न। आप आगे फिजिक्स में ये टर्म्स पढ़ने वाले हो इन दी डेप्थ, बट टिल दैट दोस्तों हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो जस्ट रिवाइज दिस टॉपिक आज के लेक्चर में एंड दी नेक्स्ट लेक्चर। अगर उसको आप टेक्स्ट बुक से कंपेयर करोगे, तो टेक्स्ट बुक में बहुत ही लेंथी लैंग्वेज में आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, और यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट एंड सिंप्लीफाइड करके दिया है। सो अगर बात करते हैं जेडब्ल्यू और नीट कंसेप्ट की, देन आपको यही जो आज का लेक्चर है उसी की नोट्स बनानी है। बट एज वी नो, अब तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन चाहिए। फॉर देट दो या तीन लेक्चर जब कंप्लीट होते, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके साथ एक साथ में दोस्तों ये दो या तीन लेक्चर का आपको एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल मिल जाएगा। बट बिफोर दैट, इसको यही टर्म में आपको नोट्स बनानी है जो टर्म में मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट्स टू लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल। बोहर को ऐसी क्या नीड हुई जो उसको उसका खुद का एटॉमिक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना पड़ा? तो उसके मेन रीजंस थे कि हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो तब तक हमने पढ़े थे बिफोर द बोहर मॉडल, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। एज वेल एज जो जिसको हम पार्टिकल फाइंड मतलब एजम्प्ट कर रहे थे, दे आर द पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो मैक्सवेल ने दोस्तों ये कहा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है, आई रिपीट, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, तो उसके साथ क्या होगा? रेडिएशन इज देयर, रेडिएशन होगा। और एज वी नो, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द चार्ज पार्टिकल। सो इसके बारे में पहले हमको पढ़ना पड़ेगा। ड्यूअल नेचर है, कोई पार्टिकल है पार्टिकल विथ वेवलेंथ, सो देर इज ड्यूल नेचर, पार्टिकल नेचर भी है एज वेल एज वेव नेचर भी है। सो ये फाइंड आउट करने के लिए, आई रिपीट, टू फाइंड आउट दिस बोहर मॉडल, पहले हमको ये थोड़े टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्लियर? देन वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी ये जरूरत क्यों पड़ी? वाई शुड वी हैव टू लर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? उसका क्लियर रीजन और शॉर्ट रीजन इज इंट्रैक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड द मैटर। कोई भी मैटर है, अगर मैटर का रेडिएशन होता है और मैटर इज इन कॉन्टेक्ट विथ सम रेडिएशन, तब हमको वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। दैट इज हेल्पफुल टू लर्न एटॉमिक मॉडल। सो दैट इज द रीजन वी कैन से दैट इज द प्रॉपर प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें, क्यों ये स्ट्रक्चर हो सकता है, क्यों ये क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, तो प्रिंसिपल इज इंट्रैक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड द मैटर। अगर आपको दोस्तों एटॉम का स्ट्रक्चर ठीक से पढ़ना है, इफ़ यू वांट टू लर्न द एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रॉपरली, तो आपको दोस्तों पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन श्योरली पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? आपको ऐसे तो दोस्तों उसके नाम से क्लियर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर देयर, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रो एंड द मैग्नेटिक रेडिएशन। अगर नाम से दोस्तों बात करें, तो हमको कुछ यहाँ पे आइडिया आएगा दैट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट देखते आगे क्या होगा। अभी जब ये पढ़ना शुरू किया तब की बात करें, तो अगर कोई बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दी रेडिएशन, और वी कैन से बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दी वेव, सॉरी, पहले वेव नेचर की बात करते हैं, पार्टिकल नेचर, अगर दोनों नेचर हुए तो ड्यूल नेचर होगा जो आगे हेल्पफुल होगा। सो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज द वेव नेचर ऑफ द लाइट। लाइट को दोस्तों सबसे सिंपलेस्ट वेव कह सकते हैं, या फिर कहते थे, लाइट को सबसे सिंपलेस्ट वेव कह सकते हैं या फिर कहते थे। क्यों कहते थे? देर इज टू डिफरेंस प्रॉपर्टीज देयर। अगर कोई पार्टिकल या फिर कोई मटेरियल है दैट इज इन अ वेव फॉर्म, तो वहाँ पे दोस्तों दो प्रॉपर्टीज हमको दिखनी चाहिए, दैट इज इंटरफियरेंस एंड द डिस्ट्रैक्शन, एंड लाइट शुड बी शोन बोथ दिस प्रॉपर्टी। लाइट में दोस्तों ये दोनों प्रॉपर्टीज दिखने को मिलती थी, सो वी कैन अज्यूम दैट लाइट वॉज नथिंग बट दी वेव नेचर, लाइट की वेव नेचर थी। बट वो किस तरह के वेव थे? अगर पहले की बात करें तो उसको किस तरह के वेव कहे जाते थे? वी कैन से लाइट आर नॉन एज अ ट्रांसवर्स वेव। उसको ट्रांसवर्स वेव क्या क्यों कहते थे? लेट अस सी लाइट को हम ट्रांसवर्स वेव क्यों कहते थे। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, अगर ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, तो उसके जो ऑसिलेशन होने वाले, अगर वो वेव फॉर्म में है देन ऑसिलेशन इज देयर, ये तो आपने फिजिक्स में सिंपली पढ़ा है। सो हमको यहाँ पे क्या देखना चाहिए? वी शुड क्लियरली सी द ऑसिलेशन, यहाँ पे ऑसिलेशन मिलना चाहिए।
अगर दिस इज द डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये प्रोपोगेशन की डिरेक्शन है, देन व्हाट इज द डिरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन? तो ऑसिलेशन की दोस्तों डिरेक्शन थी, द डिरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर थी. सो कैन से डिरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन एंड द डिरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट्स वाई हम उसको ट्रांसवर्स वेव कहते थे. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा दोस्तों, प्रॉपर्टी में आगे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता रहा, तब हमको एक बात मिली, दैट लाइट हैव सम न्यू प्रॉपर्टीज. लाइट के पास कुछ न्यू प्रॉपर्टीज भी है. सो अभी उसको हम सिंपली ट्रांसवर्स वेव नहीं कहते, देन लाइट इज नॉन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है. अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आई रिपीट, अगर लाइट शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन बोथ द फील्ड आर देयर, इलेक्ट्रिकल एंड दी मैग्निकल, सो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड दी मैग्नेटिक फील्ड. और अगर लाइट की बात करें या फिर कोई भी वेव की बात करें, अगर वेव को दोस्तों आपको मोशन कराना है और आपके पास कोई कंटेनर है, दैट कंटेनर इज इन अ वैक्यूम फॉर्म, उसके अंदर भी दोस्तों हमारे वेव मोशन तो करेगा ही. सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडिया टू मूव फॉर दी वेव्स, वैक्यूम में भी करेंगे, सो दे आर मोशन इन दी वैक्यूम ऑल्सो. अभी दोस्तों एज पर एज हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट लाइट हैज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी, देन दोनों फील्ड होने चाहिए. अगर दोस्तों यहाँ पे फिर से हम उसके ऑसिलेशन की बात करें, सपोज ये आपको जो परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे दिख रहा है, ऊपर और नीचे, सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे है, सो वी कैन से दिस वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अपर एंड लोअर डिरेक्शन, ऊपर और नीचे है, देन व्हाट इज द डिरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी मैग्नेटिक वेव्स? अगर दोस्तों यहाँ पे शायद मैंने गलती कर दी, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स अगर ऊपर और नीचे कुछ इस डिरेक्शन में मूव करते हैं, देन द डिरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक वेव्स की क्या डिरेक्शन होगी? वो अंदर बाहर होगी. यहाँ पे दोस्तों हम थ्री डायमेंशन में ये डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाते, सो आपको शायद पता ना चले, बट यू कैन सी क्लियर इन द इमेज, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या होगा. वो वेव्स परपेंडिकुलर, अगर दिस इज द डिरेक्शन ऑफ, आई रिपीट, दिस इज द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स, देन दिस इज द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स. अगर ऊपर और नीचे, आई रिपीट, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक वेव की डिरेक्शन है, देन मैग्नेटिक वेव्स की डिरेक्शन क्या होगी? उसके उससे परपेंडिकुलर आगे और पीछे. थर्ड थिंग इज द प्रोपोगेशन. दोस्तों वहाँ पे प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या मिलेगी? सो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन इज अगेन परपेंडिकुलर टू बोथ द वेव्स. एक ऊपर नीचे जा रहा है, एक अंदर बाहर आ रहा है, देन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन इज शुड दिस और दिस. इससे भी क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा. सो यहाँ पे तीनों मोशन हमको दिख रही है, दैट मोशन इन द परपेंडिकुलर. अगर दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखना चाहें, सपोज आप कोई तालाब के पास में खड़े हो, आप कहीं लेक में खड़े हो, और अभी क्या हो रहा है, आप लेक में खड़े होने के साथ वहाँ पे आप कोई स्टोन को थ्रो कर रहे हो. जैसे ही आप स्टोन थ्रो करोगे, आपको वहाँ पे क्लियर प्रोपोगेशन दिखेगा. अगर ये सपोज दिस इज दी वाटर और यहाँ पे अगर स्टोन आया है, तो इस तरह से कुछ हमको प्रोपोगेशन दिखेगा. स्लोली वो क्या करेगा, नियर टू अस, हमारे पास आएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, बट विद दी प्रोपोगेशन आपको वहाँ पे वेव्स भी मिलेगी, दैट अपर और नीचे. सो वाटर वेव्स निकलेगी, दैट वाटर वेव्स ऊपर जाएगी और नीचे आएगी. सो अगेन परपेंडिकुलर टू दी डिरेक्शन ऑफ दी प्रोपोगेशन. सो दिस इज सिमिलर विद दी लाइट, या लाइट के साथ भी यही होता है. सो अभी दोस्तों हम ये कह सकते हैं दैट लाइट हैज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी. अगर लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो फिर जैसे कोई भी वेव्स की बात करें, कोई भी वेव की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसकी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए. या फिर हम बात कर रहे हैं नहीं अदर कोई भी वेव की, तो वेव के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टी हमको पढ़नी पड़ेगी. देन कैरेक्टरिस्टिक्स, और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़नी पड़ेगी. यहाँ पे मे बी स्पीड आपको कुछ ज़्यादा लगेगी दोस्तों, बिकॉज हम यहाँ से जो पहले टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अगर टेक्स्ट बुक या रिपीट टेक्स्ट बुक की बात करें, तो आपको ये बहुत लेंथी मिलेगा. सो हमको यहाँ से इन अ शॉर्ट एकदम सिंपली किस तरह से करना है, उसके लिए स्पीड इज रिक्वायर्ड. क्लियर है? देन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या है?
सर एम्पलीट्यूड आप डेप्थ की बात करो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यहाँ तक हो रहा है, सभी जगह पे आप देखो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स इज नॉन एज अ एम्पलीट्यूड. आई रिपीट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स इज नॉन एज अ एम्पलीट्यूड. सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन. अगर उसकी ये नॉर्मल पोजिशन है तो नॉर्मल पोजिशन से कितना अप एंड कितना डाउन हो सकता है, दैट इज द एम्पलीट्यूड. देन वॉट अबाउट द वेवलेंथ? वेवलेंथ और कुछ नहीं दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, आई रिपीट, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एम्पलीट्यूड. सपोज दोस्तों ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ए एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड बी, एक दूसरे के कंजेक्टिंग है, नियरेस्ट है. इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नॉन एज अ लैम्ब्डा. लैम्ब्डा इज नथिंग बट द वेव लेंथ. लेंथ लेंथ की बात हुई तो सपोज वहाँ पे क्या होगा, उसकी यूनिट क्या हो सकती है? तो ज़्यादातर केस में दोस्तों हमको लैम्ब्डा के लिए जो यूनिट मिलेगी, दैट यूनिट इन द मीटर, उसके साथ सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पाइकोमीटर, एंगस्ट्रॉम एक्सेट्रा आ सकती है. बट मेजोरिटी केस में वी एक्सेप्ट दी यूनिट फॉर द वेव लेंथ इज अगेन, व्हाट इज द वेव लेंथ? Wavelength is nothing but the distance between two nearest or two consecutive amplitudes. ये भी wavelength ही होगी. Then what about the frequency? अगर दोस्तों आप 10th की बात याद करो या 9th याद करो, then you already learn the relation between amplitude, wavelength and the frequency. Wavelength और frequency का जो relation है आपने already पढ़ा है. You can see the number of oscillation एनी पॉइंट अंडर गोज पर सेकेंड कॉल इट्स फ्रीक्वेंसी. सपोज दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे टी इज 0 सेकंड और यहाँ तक हमको मिला टी इज 1 सेकंड, उसके बीच में कितने ऑसिलेशन होते हैं, दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज नॉन एज अ फ्रीक्वेंसी. आई रिपीट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन द सेकंड, दैट इज नॉन एज अ फ्रीक्वेंसी. सो वी कैन राइट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन एट एनी पॉइंट अंडर गोज पर सेकंड कॉल इट्स फ्रीक्वेंसी. सपोज दोस्तों कहीं पे इन अ सेकंड हमको आप वहाँ पे 10th नंबर ऑफ 10 वेव वहाँ पे ऑसिलेशन मिलते हैं. सो वेवलेंथ इज सॉरी फ्रीक्वेंसी इज 10. व्हाट इज द यूनिट, और वी कैन से व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर द फ्रीक्वेंसी? एसआई यूनिट फॉर द फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज अ हर्ट्स, और वी कैन से HZ ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हर्ट्स. और कहीं जगह पे दोस्तों आपको ये हर्ट्स में ना मिले, ऐसा यूनिट में ना मिले, देन ऑसिलेशन पर सेकंड, आई रिपीट, ऑसिलेशन पर सेकंड, सो अनदर यूनिट फॉर द फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज अ सेकंड. उसका एक यूनिट और होगा, दैट यूनिट इज नॉन एज अ सेकंड, वो सेकंड में होगा. क्लियर? अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़नी है. देन वी शुड हैव टू लर्न द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी, ये भी पढ़ना है. ओके ओके फ्रेंड्स, एज यू डिस्कस नाउ वेव नंबर सम मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी वेव्स. ओके यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें वेव लेंथ की, तो वेव लेंथ इज म्यू बार और वी बार, उसका डायरेक्ट रिलेशन है वेव लेंथ. एक्चुअली म्यू बार और वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ. व्हाट इज लैम्ब्डा? लैम्ब्डा इज वेव लेंथ. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्ब्डा? मीटर. तो यहाँ पर क्या होगा, 1/λ, इट मीन्स 1/मीटर. सो वी कैन से यूनिट ऑफ दी वेव लेंथ इज मीटर इनवर्स. अगर दोस्तों आप इसको फिजिकली डिस्क्राइब करना चाहो, देन व्हाट कैन वी डू? द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ डिसाइड कर लेते हैं, दिस इज द यूनिट लेंथ. और इसके अंदर हमको टोटली कितने वेवलेंथ मिलते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ, सॉरी दैट इज द वेव नंबर म्यू बार, एमसीक्यू में आ सकता है. देन रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ लैम्ब्डा एंड द फ्रीक्वेंसी म्यू. आई रिपीट, वेवलेंथ लैम्ब्डा एंड द फ्रीक्वेंसी म्यू, और कई बच्चे इसको वी भी बोलते हैं, म्यू और वी, एक्चुअल टर्म इज म्यू. सो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड इन वैक्यूम. अगर दोस्तों वैक्यूम के अंदर कोई वेव्स कंटिन्यू कर रहे, मोशन कर रहे, तो सबकी स्पीड वैक्यूम में कैसी होगी, कॉमन होगी. कोई सा भी वेव हो, वेदर इट इज लाइट और एनी अदर वेव्स, उसकी वैक्यूम में स्पीड, उसका मोशन, वो कितना होगा, कॉमन होगा, दैट इज सी. अब और आपने ये 10th में पढ़ा है, सी इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड. सो वी कैन से कोई भी अगर वेव्स है वो वैक्यूम में मोशन कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस कितना होगा पर सेकंड, आई रिपीट दोस्तों पर सेकंड 3×10⁻¹ मीटर तक उतना डिस्टेंस वहाँ पे कवर हो सकता है. सो दैट इज नथिंग बट दिस सी विच इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है. सो फ्रॉम द हेल्प ऑफ सी, आई रिपीट, फ्रॉम द हेल्प ऑफ सी, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसके दोस्तों, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन शो द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ. C is equal to V into lambda.
तो वी कैन से c इज इक्वल टू म्यू इनटू लैम्डा. यू कैन सी c इज कांस्टेंट ओवर हियर, c कांस्टेंट है. सो वी कैन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ म्यू इनटू लैम्डा इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होना चाहिए तभी हमारी टर्म राइट होगी. सो ये चेंजेबल, एक्चुअली ये चेंजेबल वैल्यू है बट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है. सो वी कैन राइट यहाँ पे क्या होगा, अगर दोस्तों दोनों में से कोई एक टर्म अगर इंक्रीज होती है देन सेकंड टर्म विल बी डिक्रीज. यू कैन सी इफ लैम्डा इज इंक्रीज, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, तभी तो यस इसका मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट रहेगा. और वी कैन से अगर लैम्डा डिक्रीज होता है देन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, तभी तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा. दैट यू हैव टू रिमेम्बर. देन यहाँ पर दोस्तों एक सब में हमारे पास एक प्रॉब्लम है दैट यू हैव टू कैलकुलेट. द प्रॉब्लम इज देर इज वन वेवलेंथ विद दी सॉरी वन वेव्स विद दी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. हमारे पास क्या है, देर इज वन वेव विद दी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर. सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज देयर, म्यू हमको फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी इनटू लैम्डा, सॉरी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड दी वेवलेंथ, वी इनटू लैम्डा इज इक्वल टू और म्यू इनटू लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट सी. सी इज कांस्टेंट ओवर हियर, फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करनी है. सो वी कैन राइट यहां पे दोस्तों हमारे पास ये फार्मूला होगा दैट इज वी और म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. अभी दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, जो कांस्टेंट है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, बट ऊपर दोस्तों मीटर है. सो पहले आप ये करो, या तो मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो या फिर यू हैव टू चेंज दिस नैनोमीटर इनटू मीटर. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड मीटर, इफ आई राइट 400 × 10⁻⁹ देन ये नैनोमीटर हो जाएगा मीटर. ओके देन मीटर मीटर कैंसिल हियर. सो इफ वी अगर इसको कैलकुलेट करना है देन द वैल्यू इज 7.5 × 10⁻¹⁴ दैट इज द फ्रीक्वेंसी म्यू. अभी दोस्तों यहाँ पे यूनिट हमने हर्ट्ज लिखा है, यू कैन राइट सेकंड ओवर हियर ऑल्सो, सेकंड भी हो सकता है. सो देट इज द सम पैरामीटर्स और वी कैन से सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेवलेंथ जो एग्जाम में आ सकती है, कॉम्पिटिटिव में आ सकती है. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बट आप दोस्तों यहाँ पे ये रिलेशन देखो, अगर जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है उसके साथ उसका वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, और वी कैन से अगर वेवलेंथ इंक्रीज होता है देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है. सो दोनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज एंटी प्रोपोर्शनल. सो फ्रॉम दिस वैल्यू यहाँ पे क्या किया दोस्तों हमने, यू कैन सी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया है. फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम हम क्या क्या वैल्यू डिराइव कर सकते हैं और क्या क्या नॉलेज ले सकते हैं दैट वी गोइंग टू सी. यू कैन क्लियर सी दैट दी, अगर दोस्तों पहले हम बात करें गामा रेज की, तो गामा रेज के लिए आई रिपीट गामा रेज के लिए आपको फ्रीक्वेंसी कैसे मिलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है 10⁻², 10⁻², 10⁻². अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है देन इट क्लियर्स उसका वेवलेंथ कैसा होगा, कम होगा. सो यू कैन सी 10⁻⁶, 10⁻⁴, 10⁻¹. जैसे जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं देन डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है. सो विद द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी यू कैन सी इंक्रीज इन वेवलेंथ. सो पहले अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या फिर वी कैन से कम वेवलेंथ है देन दे आर गामा रेज, देन एक्स रेज, देन यूवी. उसके बाद दोस्तों जो रेज जो रेंज मिलती है दैट रेंज इज विजिबल रेंज, इंक्रीजिंग वेवलेंथ. और ये दोस्तों वो जो वेव्स है इसको नीचे अलग से दोस्तों वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज, रेड और उसके अकॉर्डिंग उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है दैट इज द विजिबल. बिकॉज ऑफ दिस वेवलेंथ रेज और वी कैन से दिस फ्रीक्वेंसी रेज हम और आप एक दूसरे को देख सकते हैं. उसके बाद फिर से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी देन IR, देन माइक्रोवेव्स, देन FM और AM, वी कैन से रेडियो वेव्स. दोस्तों जो रेडियो वेव्स है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रेडियो या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है. देन लॉन्ग रेडियो वेव्स एकदम ज़्यादा एनर्जी वाले और कैसे ज़्यादा सॉरी फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स, दे आर लॉन्ग रेडियो वेव्स. सो यहाँ पे दोस्तों हम ये कह सकते हैं इफ हाई फ्रीक्वेंसी देन लो वेवलेंथ, इफ लो इंटेंसिटी हाई वेवलेंथ. क्लियर है, तो ये दोस्तों आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए. ओके तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.